सो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि जब आप जा रहे हो, बारिश आती है और आपको आपकी कार में देखने में विजिबिलिटी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि रेयर व्यू मिरर कम्प्लीटली पानी से भर जाता है, कम्प्लीट स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड साइड मिरर्स भी जो होते हैं वो भी पानी से भर जाते हैं स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स से, और जब लाइट पड़ती है उसके ऊपर तो और ज़्यादा दिक्कत होती है देखने में और गाड़ी चलाने में। तो इन सब के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास, जो कि एक काफ़ी रेनोल्ड ब्रांच है जिसका कि नाम है विस्ता। सो आज हमारे पास विस्ता के ये दो प्रोडक्ट्स हैं, ये है इसका विस्ता का रेन शील्ड और ये है विस्ता का एंटी फॉग स्प्रे। सो ये दो प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास आए हैं रिव्यू करने के लिए, हम इसको यूज़ करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ये बोल दूँ, प्लीज़ डू नॉट मिस्टेक दीज प्रोडक्ट्स फॉर PPF और सिनेमिक कोटिंग, एज दीज वोंट डू दी 100% जॉब, दीज विल डू अ जॉब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, जहाँ पे कि आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है और आपकी गाड़ी चलाने में जो है बहुत आसानी हो सकती है। सो ये प्रोडक्ट्स उसका काम करते हैं। सो हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे ये जो रेन रेपेलेंट स्प्रे है इसको। सो विस्ता की तरफ से हमें ये तीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी मिले हैं, हम इन तीनों का यूज़ जो है अभी इस वीडियो में यूज़ करेंगे, तीनों का एक एक अलग पर्पस रहेगा। सो माइक्रोफाइबर क्लॉथ इसलिए यूज़ करते हैं कि ये काफ़ी अच्छे होते हैं और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं जब हम किसी भी तरीके की क्लीनिंग करते हैं या यूज़ करते हैं तो इनसे रिजल्ट भी और अच्छे आते हैं। सो प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस तभी पता लगेगी जब हम आपको बिफोर एंड आफ्टर बताएंगे। सो अभी बिकॉज यहाँ पे कोई भी कोटिंग नहीं लगी हुई है, अभी मैं पानी डाल के बताता हूँ कि किस तरह पानी जो है इसके ऊपर रुकता है, पानी स्टे करता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रुकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि अगर मैं पानी डाल रहा हूँ, अगर आप देख सकते हैं तो छोटे 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 ड्रॉपलेट्स बहुत सारे रुक रहे हैं, बिकॉज ये अभी यहाँ पे पानी सिर्फ थोड़ा सा ही है। जब पानी ज़्यादा होगा तब ड्रॉपलेट्स बहुत होंगे, जब बारिश ज़्यादा होती है तो ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा स्टे करते हैं। प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लीन एंड ड्राई द सर्फेस। सो जैसे कि अभी हमने पानी डाला था, हम सबसे पहले पानी को पूरा वाइप करके क्लीन कर लेंगे ताकि फिर इसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रे लगा सकें। सिंस दीज आर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ओके, इट्स ऑलवेज सेफ टू वेयर ग्लव्स जस्ट टू अवॉइड एनी स्किन एलर्जीज और स्किन इशूज़। सो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम एक तरफ अप्लाई करेंगे, एक तरफ अप्लाई नहीं, अप्लाई करने के लिए एक ही काम करना है। ये जो स्प्रे है इसको आपके माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा डाल के आपको रब करना है। ये है, इसको हमने ऐसे थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा डाल के इसको सर्कुलर मोशन में हमें इवनली स्प्रेड करना है। सो इस वाली साइड में हमने अप्लाई नहीं किया है, इसलिए ये वाली साइड थोड़ी सी शाइनी है, आप अगर आप देख सकते हो, बट इस वाली साइड जहाँ पे हमने अप्लाई किया ये वाली साइड थोड़ी सी ब्लर है, थोड़ी सी डल है। वाई? बिकॉज दिस इज़ नाउ गेटिंग ड्राइड अप कम्प्लीटली। सो 5 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए, उसके बाद हम एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको क्लीन करेंगे। सो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, ये वाला पोर्शन अभी ड्राई हो चुका है। एक फ्रेश माइक्रोफाइबर क्लॉथ या ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके हम इसको ऐसे एक बार पूरी तरह से अच्छे से क्लीन कर देंगे, जिससे कि जो इस पर हमने लिक्विड लगाया था इसका असर परफेक्ट हो जाए, सेटल हो जाए। नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, जैसे कि बताया था इस साइड पे हमने कोटिंग लगाई है, इस साइड पे नहीं लगाई। सो अब पानी डाल के फिर से हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कितना डिफरेंस है दोनों साइड में। तो इस वाली साइड आप देखो, इस वाली साइड पर जहाँ हमने कोटिंग लगाई थी, इस एरिया में, पूरे एरिया में आप देख सकते हो बिल्कुल नहीं के बराबर पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, बिल्कुल थोड़े से ड्रॉपलेट्स हैं। बट अब इस एरिया में अगर आप गौर करो, इस एरिया में यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, काफ़ी सारा पानी जो है स्टे कर रहा है। ऑल्दो हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही पानी डाला था, ज़्यादा पानी नहीं डाला, जस्ट एक डेमो बताने के लिए, बट आप डिफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पे कंसिडरेबल अमाउंट का पानी जो है वो निकल चुका है, इट इज़ नॉट स्टेइंग। Whereas this part, if you see, this part has a lot of water staying on the surface. So, जैसे कि मैंने पहले बताया था, you will see a visible amount of difference, which will help improve your visibility during your ride. Okay, मैंने पहले एक बात clearly बताई थी that it will not do a 100% job, but it will do a considerable amount of job, which will actually help you while you are driving. So, आपने डिफरेंस देख लिया। इस तरह हम बाकी के हर विंडोज पे भी ऐसे ही करेंगे। सेफ्टी वाइज प्लीज वेयर ग्लव्स वाइल यू आर अप्लाइंग दिस ऑन योर व्हीकल, ओके, दिस कैन बी अप्लाइड ऑन योर टू व्हीलर एज वेल, ऑन योर हेलमेट वाइजर एज वेल। अब आते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने टाइम तक लास्ट करता है। सो एज फार एज आई हैव लर्न फ्रॉम द कंपनी, ओके, इफ इट इज रेनिंग हैविली और इफ इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली इन योर सिटी और इन योर प्लेस, यू कैन अप्लाई इट एवरी ऑल्टरनेट डे और वंस इन 2 or 3 days। इफ इट इज रेनिंग मॉडरेटली यू कैन अप्लाई बाई अबाउट once in a week. If it is raining even lesser than these, then you can apply maybe once in 10 days or 12 days or something like that. ज़रूरत पड़ी तो आप फिर से अप्लाई करो, अगर आपको लग रहा है कि उसका इफेक्ट जो है थोड़ा सा कम हो रहा है, आप उसको अप्लाई करो। सो लाइक आई सेड, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, दिस इज़ नॉट अ ऑल्टरनेटिव फॉर PPF और सिनेमिक कोटिंग,
बट दिस इज़ मेंट फॉर योर डेली कम्यूट और फॉर डेली यूज़। ओके, डेली जब आप जा रहे हो तब इसको अप्लाई कर सकते हो, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसकी जो MRP है वो है 400 rupees। 400 rupees की अगर आप बॉटल लेते हो, अगर आप डेली भी लगाते हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू अलॉट, इट इज़ हार्डली गोइंग टू कॉस्ट यू 4 or 5 rupees फॉर वन सिंगल डे। अगर आप डेली भी लगाते हो, डेली भी इसको अप्लाई करते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इफेक्टिव है, आपने खुद देख लिया इसका विजिबल डिफरेंस। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू ट्राई दिस ऑन मोर व्हीकल्स। मेरे पास 2-3 गाड़ियां हैं तो मैं उन पर भी ट्राई करूंगा, अपने हेलमेट वाइजर पे भी ट्राई करने की कोशिश करूंगा। और जिन का जो दूसरा प्रोडक्ट है एंटी फॉग, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि मेरे चैनल पे ही अपलोड करूंगा, तो उसके लिए आप प्लीज़ अब मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी जो उसको भी टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि जब आपको नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी मिले। और इस प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर देम फॉर यू। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय।